तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना की जो काफ़ी दर्दनाक है, जिसे सुन के आपकी रूह कांप उठेगी। तो ये बात है बांका जिले में स्थित एक गांव चांदन की, और यह घटना है एक 8 साल की छोटी बच्ची की, जिसके साथ निर्भया जैसी दर्दनाक और रूह कपा देने वाली वारदात हुई है। तो यह घटना है होली की। कहते हैं होली पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाई जाती है, लेकिन उस बच्ची के साथ इतना बुरा क्यों? आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन दरिंदों ने उसके साथ इतना बुरा हाल किया? उन दरिंदों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और अब आते हैं यह घटना कब, कैसे और किसने किया। तो यह बात है होली की दोपहर 2 बजे की। बच्ची अपने 5 साल छोटे भाई के साथ घर लौट रही थी। तो उसका भाई तो घर लौट गया, लेकिन बच्ची शाम 4 बजे तक घर नहीं लौटी थी। तो घर वालों ने बच्ची की खोजबीन की तो वह नहीं मिली। फिर घर वालों ने नज़दीकी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया, तो पुलिस ने कहा कि आप लोग अच्छे से छानबीन कर लीजिए, फिर हमें रिपोर्ट करें। तो घर वालों ने और खोज की, फिर बच्ची के पिता को स्टेशन के पास एक नाली में बालू से ढकी बच्ची का पैर दिखा, और जब उसे निकाला गया तो वह खून से लथपथ थी और उसकी आंखें भी फूटी मिली। फिर पुलिस को रिपोर्ट किया तो पुलिस ने बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और पोस्टमार्टम में पता चला कि उस मासूम सी बच्ची के साथ गैंग रेप करने के बाद उसकी आंखें फोड़ दी गई, और डॉक्टर ने कहा कि आंख इसलिए फोड़ा गया ताकि बच्ची की पहचान ना हो सके। इन दरिंदों की हैवानियत तो देखो, जरा सा भी इंसानियत नहीं बची थी इन लोगों में, जो इतना बुरा हाल एक छोटी सी बच्ची के साथ किया। छी है तुम लोगों पर छी, कैसे लोग हैं यार, जरा सा भी रहम नहीं आया इतना बुरा करने में। मतलब हद है यार, इंसान के नाम पे कलंक हैं ये लोग। और मैं यह चाहता हूँ कि जितना बुरा इन लोगों ने किया, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मौत इन लोगों को मिले, ताकि आगे से कोई भी ऐसा करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे। करना तो दूर, शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। आखिर कब सुधरोगे? पहले निर्भया और फिर यह, और ना जाने कितनी बच्चियों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है, और आखिर कब तुम्हें अकल आएगी? दरअसल गलती सरकार की ही है जो इन जैसे अपराधियों को छोड़ देती है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि इनकी रूह भी कांप उठे ये सब करने की सोचे भी तो। और मुझे यह बात सुन के अच्छा लगा कि वहाँ की लड़कियाँ ने और जनता ने न्याय की मांग की और धरना दिया, और प्रशासन से तथा सरकार से मांग किया कि उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि आगे से कोई ऐसा करने की सोचे भी तो उसकी आत्मा कांप उठे। मैं बिहार सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और बच्ची के परिवार को सरकार की तरफ से जो हो सके मदद मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।